गाइस वेलकम बैक। हम सभी का अल्टीमेट गोल है ग्लोइंग एंड हेल्दी स्किन अचीव करना, पर हम सब कोई नेचुरली परफेक्ट स्किन से ब्लेस्ड नहीं होते हैं। हमारी स्किन बहुत अच्छा हो सकती है, इसके लिए कोई एक्सपेंसिव ब्यूटी ट्रीटमेंट या प्रोडक्ट पे खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कुछ सिंपल सा स्किन केयर टिप्स जो लेस इफेक्ट एंड टाइम के साथ विजिबल रिजल्ट दे, बस उन्हें अपनाने की ज़रूरत है। हमारे बॉडी का लार्जन ऑर्गन है हमारे स्किन, जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से। हम अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी के सारे टॉक्सिन रिमूव होते हैं, जो ग्लोइंग स्किन अचीव करने में हेल्प करता है। फेशियल योगा करने से ब्लड सर्कुलेशन होती है, स्किन लिफ्ट होती है, स्मूथ दिखती है, रेडियस दिखते हैं, जिसके कारण नेचुरली एक ग्लो भी दिखने मिलता है। फेशियल योगा करने से आपका स्ट्रेस भी रिलीव होता है। फेशियल योगा अगर आप रोज 5 से 10 मिनट भी करोगे और अपने रूटीन पे ऐड करोगे तो ह्यूज डिफरेंस आप नोटिस कर पाओगे अपनी स्किन पे। फेशियल योगा से इम्प्रूव होता है आपका मेंटल हेल्थ, लिफ्ट करता है, टाइट करता है स्किन को, इम्प्रूव करता है अंडर डार्क सर्कल्स को, रिड्यूस करता है पफिनेस को, एंड आपकी स्किन जब स्मूथ रिंकल फ्री होगा, फाइन लाइंस नहीं होगा, तो वैसे ही आपका स्किन ग्लो करेगा और आप और ज़्यादा एट्रैक्टिव दिखोगे। तो अपने रूटीन पे ज़रूर फेशियल योगा को आप ऐड करो। जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस रिलीव होगा, टेंशन फ्री रहोगे, उतना ज़्यादा आप यंग दिखोगे और उतना ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो अपना फेशियल योगा को रूटीन पे ज़रूर ऐड करो। नेक्स्ट है स्किन केयर प्रोडक्ट। ग्लोइंग स्किन के लिए एक अच्छी सिंपल सी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना ज़रूरी है। ऐसा प्रोडक्ट आपको चूज करना चाहिए जो आपकी स्किन के लिए अच्छी हो। स्किन केयर करो अपने प्रॉब्लम को टारगेट करते हुए, एंड इंग्रेडिएंट्स जो होगा प्रोडक्ट में उसको आप ज़रूर चेक करो, ताकि आपको स्किन को कोई डैमेज ना करे एंड बैरियर को भी डैमेज ना करे। जैसे कि प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए, जैसे कि हम लोग फ़ोन को अपडेट करते हैं, एक ही जैसा खाना रोज अगर हम लोग खाएंगे तो बोर हो जाएंगे, वैसे ही एक ही टाइप का अगर स्किन केयर आप रोज़ यूज़ करते हो 12 महीना, तो आपकी स्किन भी ढीठ हो जाता है, वो वर्क नहीं करते। तो हमेशा अपने प्रोडक्ट को चेंज करते रहो, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले, और हमेशा अपने स्किन केयर प्रोडक्ट अपने बजट के अकॉर्डिंग ही आप सेट करो। नेक्स्ट है कोलेजन एंड विटामिन सी फॉर ग्लोइंग स्किन। बेबीज में सबसे ज़्यादा स्किन ग्लोइंग एंड हेल्दी होता है, क्योंकि बेबीज में सबसे ज़्यादा कोलेजन होता है। जैसे कि हम लोग बड़े होते हैं कोलेजन कम होता है, और हमारे स्किन में डलनेस, हेयर फॉल होता है, डार्क सर्कल्स होता है, एंड स्किन में पिगमेंटेशन, एक्ने जैसा प्रॉब्लम दिखता है। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 5 सुपर फूड जिसमें कोलेजन है, विटामिन सी है, और हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन अचीव करने में आपको हेल्प करेगी। पपाया में बीटा कैरोटीन है एंड रिच ऑफ विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट। रेड ग्रेप्स बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है, एंटी एजिंग के लिए फाइट करता है, स्किन में एक हेल्दी ग्लो लाता है और आपको कोलेजन को बूस्ट करता है। क्यूवी में विटामिन ई है, विटामिन सी है, एंटीऑक्सीडेंट है, मोर प्रोटीन देन यू थिंक। और हमारे स्किन को जब इनफ प्रोटीन मिलता है तो स्किन ग्लोइंग दिखता है। नेक्स्ट है पोमिलो, जो स्किन को ब्राइट करने में हेल्प करता है, स्किन को हाइड्रेट करता है, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली एक ऐसा फ्रूट है जिसमें आपके एंटी एजिंग में भी हेल्प करता है, रिड्यूस करता है मसल पेन में, वेट लॉस में भी हेल्प करता है, एंड बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, तो आप इजीली अपने डाइट पे भी ऐड कर सकते हो। एप्पल ब्राइट करता है स्किन को, रिड्यूस करता है एंटी एजिंग को, एंड यूवी रेस से प्रोटेक्ट करता है, ट्रीट करता है एक्ने एंड डार्क स्पॉट को, हाइड्रेट करता है स्किन को, रिड्यूस करता है डार्क सर्कल को। एप्पल का क्लिप में ऐड करना भूल गई, उसके लिए सॉरी। और हाँ गाइस, इतना सारा फ्रूट आपको एक दिन में नहीं खाना है, जस्ट डाइट पे ऐड करना है। अल्टरनेट डेज पे आप डाइट पे ले सकते हो, आपकी स्किन में कोई भी कोलेजन का एंड विटामिन सी का कमी नहीं होगा, जिससे आपके स्किन बहुत ज़्यादा यंगर दिखेगा, ग्लोइंग दिखेगा। और जितना आप नेचुरली सप्लीमेंट लोगे और जितना नेचुरली आप इंटरनली केयर करोगे, उतना हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन अचीव कर पाओगे।
नेक्स्ट है फेस सेविंग फॉर हेल्दी स्किन। डरो मत, मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी परफेक्ट वे में कैसे आप अपने फेस को सेविंग कर सकते हो, क्योंकि गलत तरीके से अगर आप अपने फेस को सेव करते हो तो लॉन्ग टर्म तक आपकी स्किन डैमेज हो सकती है एंड आपकी स्किन बहुत ज़्यादा बैरियर डिस्टर्ब हो सकता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे लाइट हैंड में एंड पॉइंट टू पॉइंट कैसे आप फेस को सेव कर सकते हो। इसलिए मैंने अपने फेस में पूरा मार्क किया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। चाहो तो आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। एक अच्छा रेजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एक छोटू सा मिरर, ताकि आप अच्छे से फेस को सेविंग कर सको। और जब भी आप फेस को सेव करो, दो उंगलियों के बीच में आप अपना फेस का जो रेजर है उसको आप लगाओगे, ताकि बहुत ही लाइट हैंड फेस को सेविंग करे, ना कि हर्ष नहीं। अगर आप ज़्यादा जोर से उसको पकड़ोगे तो उससे आप हर्ष सेव करते हो, क्योंकि उसमें आपका बहुत ज़्यादा प्रेशर जाता है। तो हमेशा फेस को लाइट हैंड से अगर आप सेव करोगे तो स्मूथली आपके स्किन में सेविंग भी होगी। और आप लोग जैसे देख सकते हो कि कितना लाइट हैंड में सेव कर रही हूँ और कहाँ तक आपको पॉइंट लाना है, क्योंकि आईब्रो का जो हेयर है धीरे धीरे रिग्रोथ कम हो जाता है ज़्यादा डाउन करने से। एंड जो हमारे स्किन है, चिक है, वहाँ पे भी आप ज़्यादा जोर से करोगे तो आप सालों साल वैसे करते करते वहाँ का स्किन बैरियर इतना डैमेज हो जाता है कि ओपन पोर्स भी हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है किस वजह से आपका ओपन पोर्स हुआ है। फेस सेविंग बहुत अच्छा होता है एक हेल्दी स्किन के लिए, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट लगाते हो वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। बट फेस सेविंग अगर गलत तरीके से किया जाए तो हमारे स्किन अच्छा होने की वजह से स्किन और ज़्यादा डैमेज हो जाता है। किसी किसी का स्किन में देखना एकदम छोटा छोटा सुई जैसा ओपन पोर्स रहता है, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं है कि फेस को जो रेज़र वो जो चला रहे हैं वो रेज़र, एक तो वो सस्ता वाला यूज़ करते हैं एंड दूसरा वो बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है। इससे आपका स्किन का बैरियर डैमेज होता है। स्किन का अगर बैरियर डैमेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्किन भी डैमेज होगा। एंड कभी भी फेस सेविंग करना हो तो ऐसे ही मत करना, हमेशा कोई भी जेल लगा लो। एलोवेरा जेल ज़्यादा अच्छा होता है या फिर फेस सेविंग का भी जेल मिलता है, अगर वो आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। अगर कुछ भी ना हो तो जॉनसन बेबी का जो ऑयल होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मेरा फेस से कोई अभी हेयर रिमूव नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने किया था। जो मैंने लाइनर से मार्क किया था आप लोगों को समझाने के लिए, वही सारे चीज़ अभी रिमूव होगा। जस्ट आप लोगों को अच्छे से ये समझाने के लिए मैं ये प्रोसेस पूरा फॉलो कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में तो आ गया होगा कि फेस सेविंग तो अच्छा होता ही है पर कैसे करना है, एंड बहुत ही लाइट हैंड ही आपको ये करना है, तो उससे आपको हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन अचीव तो होगा और आपकी स्किन का बैरियर भी हेल्दी रहेगा। नेक्स्ट है रेगुलर वर्कआउट। रेगुलर वर्कआउट करने से हमारे स्किन ट्रांसफॉर्म होते हैं, हमारे स्किन में ब्लड फ्लो अच्छे से सर्कुलेट होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग रेगुलर वर्कआउट करते हैं उन लोगों के स्किन में एक नेचुरल पिंकिश ग्लो दिखता है। रेगुलर वर्कआउट करने से आपकी स्किन एक से दो सेट लाइटन होता है, ब्राइटन होता है। सो वर्कआउट हमारे हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वर्कआउट करने से आपका एक हेल्दी बॉडी मिलता है, एक टोन एट्रैक्टिव बॉडी अचीव कर सकते हो। स्किन हेल्दी होगा, ग्लोइंग होगा, बॉडी आपका एट्रैक्टिव दिखेगा, तो बोथ आपके खूबसूरती को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो आप अपने रूटीन पे वर्कआउट को ज़रूर ऐड करें। जिम नहीं जा सकते तो घर पे भी आप वर्कआउट ज़रूर करें। नेक्स्ट है ग्लोइंग स्किन फेस मास्क। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव करने के लिए, हफ्ते में एक दिन फेस मास्क लगाओ या फिर उपटन लगाओ। फेस मास्क डीपली स्किन को क्लीन करता है, स्किन में जितना भी डर्ट्स रहता है वो रिमूव होता है अच्छे से। माइल्ड स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन में जितना सन टैन होता है उसको रिमूव करता है। एक्ने का जो मार्क रह जाता है उसको भी फेड करने में हेल्प करता है। पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने में हेल्प करता है। एंड ये स्किन में बहुत ज़्यादा जेंटल होता है, कोई केमिकल्स नहीं होता है, क्योंकि होम रेमेडीज नेचुरल एंड बेस्ट होता है। मैं तो यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ऑरेंज पील पाउडर। आप कोई सा भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। इसको 15 मिनट रखना है, उसके बाद रिमूव कर देना है।
एंड बहुत अच्छा होता है। गुड वाइब्स का जितने सारे प्रोडक्ट है बहुत नेचुरल है, कोई केमिकल्स नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पॉकेट फ्रेंडली भी है। तो रिकमेंड तो करूँगी, लेना है नहीं लेना है वो आपकी मर्ज़ी है, मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है इसमें केमिकल्स नहीं है तो मैं टेंशन फ्री लगा भी सकती हूँ। तो हफ्ते में एक दिन फेस मास्क अपने फेस में लगाओ ताकि हेल्दी स्किन अचीव कर सको। नेक्स्ट है क्लियर एंड ग्लोइंग स्किन के लिए हाइड्रेटिंग डिटॉक्स वाटर, जिसमें ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किया है जो स्किन को ग्लो करेगा, हाइड्रेट करेगा एंड फ्लॉलेस स्किन अचीव करने में हेल्प करेगा, एजलेस एंड सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि इसमें विटामिन ए है। ये ड्रीम पे विटामिन सी मिलेगा एंड एंटीऑक्सीडेंट भर भर के है और डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करेगा एंड आपको प्रोटीन भी मिलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने सिया सीड भी ऐड किया है। एंड जो मेरी सिस्टर लोग ब्राइड टू भी है, जल्दी शादी होने वाली है, अभी से इस ड्रिंक को ऐड कर लो अपने डाइट पे। आप देखोगे आपके स्किन में कितना अच्छा ग्लो आ रहा है, नेचुरल फ्लॉलेस स्किन दिखेगा एंड सबसे अच्छी बात है आपका वेट लॉस भी होगा, आप स्किन ग्लो भी पाओगे, वेट लॉस भी होगा। एंड ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है तो रोज़ इसको बना सकते हो, अपने डाइट पे ऐड करो, इसको रोज़ पियो, इससे आपका स्किन का जो टेक्सचर है वो इम्प्रूव दिखेगा, स्किन आपको बहुत हेल्दी दिखेगा, हाइड्रेट रहेगा। जब तक बैड टॉक्सिन बॉडी से रिमूव नहीं होता है तब तक हम लोग हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन अचीव नहीं कर सकते हैं। चाहे हम लोग कितना भी एक्सपेंसिव टोनर लगा ले या फिर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट या फिर सीरम पे इन्वेस्ट क्यों ना करें, क्योंकि टॉपिकल एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट होता है पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो है हमारा इंटरनल हाइड्रेशन। एंड इंटरनल अगर बॉडी क्लीन नहीं होगा, हमारा स्टमक क्लीन नहीं होगा, तब तक हम लोग कैसे एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन अचीव कर सकते हैं। तो आप भी अपने डाइट पे डिटॉक्स वाटर को ऐड करो एंड हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव करो। नेक्स्ट, स्किन फ्रेंडली फूड। हमारे डाइट पे हमेशा स्किन फ्रेंडली फूड होनी चाहिए। नट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है डाइट पे ऐड करना, क्योंकि नट्स से हमारे ब्रेन हेल्थ, हमारे स्किन का हेल्थ एंड हमारे हेयर के क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि नट्स जो है हमारे बॉडी में बहुत ही क्विकली एब्जॉर्ब होता है, जिसके कारण डीपली नरिश होता है इंटरनली। विटामिन ई सी एंटीऑक्सीडेंट फूड डाइट पे होनी चाहिए, जो हम खाते हैं वही हमारे बॉडी पे रिफ्लेक्ट होता है। तो हमारे डाइट पे नट्स होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप अपने स्किन को हेल्दी करना चाहते हो या फिर अपने हेयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हो तो रोज़ अपने डाइट पे नट्स को ऐड करना। एंड नट्स से आपके सिर्फ स्किन और हेयर अच्छा नहीं होता है, साथ ही साथ में आपके ब्रेन, आपकी आईज, आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। स्किन को हेल्दी करने के लिए कोशिश करो कि प्रोसेस फूड, व्हाइट शुगर, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सारे चीज़ आप एकदम भी ना खाओ। हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो और हेल्दी ग्लोइंग स्किन अचीव करो। नेक्स्ट है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारे पूरा बॉडी एंड पूरा लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। स्ट्रेस ज़्यादा लेने से आप उम्र से ज़्यादा बड़े दिखते हो, क्योंकि एंटी एजिंग बहुत जल्दी आपको अर्ली एज में दिख जाता है, एक्ने बहुत ज़्यादा आता है। बट स्ट्रेस एक डेली लाइफ का पार्ट है, पर उसको भी बैलेंस करना हमें आना चाहिए। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग एंड स्ट्रेस अगर हो रहा है तो आप अपने आप को बिज़ी रखो, इतना काम पे बिज़ी रखो कि आप दूसरा कुछ सोच ना पाओ, ओवरथिंकिंग ना कर पाओ, और अपने स्ट्रेस से भी आपको रिलीफ मिलेगा जब आप बुक्स पढ़ोगे। तो मेरा जो फेवरेट बुक्स है वो है द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। ये इतना अच्छा बुक्स है, आपका पूरा नज़रिया चेंज कर देता है लाइफ को देखने का। स्ट्रेस से कैसे रिलीफ मिलता है, आप पॉजिटिव कैसे सोच सकते हो, पॉजिटिव कैसे रह सकते हो, नेगेटिविटी को कैसे अपने आप से दूर रख सकते हो, अपने लाइफ को जीने का जो एक नज़रिया है ये बुक्स आपको सिखाती है। ये बुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड मैं इसको हाईली रिकमेंड करूँगी, आप इसको ज़रूर बाय करना। ये तो मैंने अपना बुक शॉप में लिया था, लाइब्रेरी से, कोलकाता का पाकी स्ट्रीट से। आप कहीं से भी ले सकते हो, अपने नियर में जो भी बुक्स या फिर लाइब्रेरी शॉप होगा या फिर अमेजोन में शायद मिल जाएगा, तो आप इसको बाय ज़रूर करना। स्ट्रेस तो हम सबके लाइफ में है, पर स्ट्रेस को कंट्रोल भी हमें ही करना पड़ेगा। इसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हो, आप योगा कर सकते हो, आप थोड़ा सा अकेले वॉक कर सकते हो, आप पॉजिटिव सोचो एंड जिससे आपको बात करने में अच्छा लगे उससे बात करो।
नेक्स्ट है स्किन ब्रीदिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए। हमेशा ऑन बाय ऑन प्रोडक्ट लेयर पे लेयर लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे आपके स्किन और ज़्यादा हेल्दी नहीं होगा और ज़्यादा डैमेज होगा। शाम के टाइम पे ठंडा पानी से अपने फेस को क्लीन करें, उसके बाद 2 आवर्स के लिए अपनी स्किन को वैसे ब्रीद करने के लिए छोड़ दें। उससे आपके स्किन बहुत अच्छे से हेल्दी भी दिखेगा, अच्छा भी रहेगा, क्योंकि आपका स्किन में लेयरिंग नहीं होगा। लेयर पे लेयर करने से स्किन बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं होता है और ज़्यादा डैमेज होता है। जितना हो सके स्किन में कम लेयरिंग करें एंड कम प्रोडक्ट यूज़ करें और स्किन को थोड़ा सा ऑक्सीजन भी दें। नेक्स्ट है गुड स्लीप। अच्छे सोने से इम्प्रूव होता है हमारे ब्रेन हेल्थ, हमारे मूड एंड पूरा दिन का हमारे एक्टिविटी। अगर अच्छे से हम लोग सोते हैं तो हमारे मूड भी बहुत ज़्यादा फ्रेश रहते हैं, हम लोग चिड़चिड़ापन नहीं करते हैं और हम लोग जो भी काम करते हैं वो मन लगा के करते हैं। इसलिए अच्छे से सोना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी हम लोग अच्छे से सोते हैं हमारे स्किन भी बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, हमारे डार्क सर्कल्स भी नहीं होता है एंड ओवरऑल हमारे हेल्थ भी इम्प्रूव होता है। सो गाइज, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया मेरा टॉप 10 स्किन केयर टिप्स जो मेरा स्किन को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और आप लोगों को भी हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल भी है और इजीली फॉलो भी कर सकते हो। एंड वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है वो मुझे ज़रूर फीडबैक करना, और आज का वीडियो कैसा लगा है वो भी आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सारी सिस्टर को दिल से शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। एंड वीडियो आज का अगर अच्छा लगा है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ मेरा नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग खुश रहो, अच्छे रहो और हेल्दी रहो। फिर मिलते हैं, बाय।